मेरा नाम चंदा अंसारी है और मेरा मैं पीलीभीत से हूँ। मुझे 2010 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो फिर मैं वहाँ गई केस लता। वहाँ वो लोग बोले कि ऐसा है कि आप राममूर्ति जाइए, वहाँ अच्छा इलाज होता है इसका। तो फिर मैंने वहाँ दिखाया, तो डॉक्टर पीयूष के पास मेरा था केस और सब लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और जब से तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ये मेरी मदर हैं, इनका नाम चंदा अंसारी है। 2010 में इन्हें कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी, तो हम लोगों ने पहले तो यहीं पे दिखाया लोकल में ही। लोकल में दिखाने के बाद हम लोग केशलता गए, तो केशलता में उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो फिर हमने और जानकारी ली तो उससे पता चला कि राममूर्ति में इसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोग राममूर्ति गए, तो राममूर्ति जाके हमें डॉक्टर पीयूष सर के अंडर में मम्मी का इलाज चला, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से इनका इलाज किया और विदाउट ऑपरेट, खाली थेरेपी से आज मेरी मम्मी बिल्कुल सही हैं और घर का सारा काम हर तरीके से, कहीं भी आना जाना किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का रहने वाला हूँ, हाजी मोहम्मद असलम अंसारी मेरा नाम है। मेरी मिसेज को ये थोड़ी सी समस्या हो गई थी, जिसको लेकर हम राममूर्ति हॉस्पिटल वहाँ बरेली भौजीपुरा पहुँचे। जब आपको दिखाया गया तो वहाँ के स्टाफ और डॉक्टरों ने बड़ी ही, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट देकर उनको, हम लोगों को सबको जो है ट्रीटमेंट किया, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट देकर उनको हम लोगों को सबको जो है ट्रीटमेंट किया। हमारे राममूर्ति हॉस्पिटल के जितना भी स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, नर्सेस हैं, सब बहुत अच्छे से जो है ट्रीटमेंट करते हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी, आधी तकलीफ तो हमारी वैसे ही दूर हो जाती है जब वहाँ के उस स्टाफ का माहौल, उस स्टाफ की जो है मतलब अपनापन जब हम लोग महसूस करते हैं, उसके बाद जो है वो हमारा इलाज जब शुरू होता है तो हमें बहुत ही सहायता उन लोगों से मिलती है। अच्छे से इलाज किया और वहाँ से जो है वो हमारी मिसेज जो है आज स्वस्थ हैं, अच्छी हैं।